सकते हैं, टच नहीं हुआ है अभी तक बॉडी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा राइट स्टेयरिंग घूम चुका है, टच नहीं हुआ है। और लेफ्ट घुमाओ लेफ्ट, तो इस जगह पे थोड़ा सा टच होता है गाइस। तो वैसे बॉडी में कहीं और टच नहीं हो रहा है, पूरा घुमाया ना। तो नीचे से देखता हूँ आगे में। यहाँ से भी देख सकते हैं कहीं पे टच नहीं। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ये नैनो का चारों टायर सेम लगा सकते हैं ना नहीं, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था। तो मैं आज वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी फ्रंट वाला टायर जो छोटा है 135 सेशन का है, और बैक वाला जो 155 का है। तो मेरा जो स्पेयर टायर है वो मैंने 155 सेशन का रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार जो पीछे का टायर अगर पंचर हो जाता है तो जो 135 वाला लगाने से देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक मोटा रहता है एक पतला रहता है। तो मैंने स्पेयर जो है मेरा 155 का है, तो मैं उसको आज डाल के देखूंगा कि फ्रंट टायर पे, फ्रंट वाला में 155 का मैं डाल के देखूंगा कि कहीं पे टच होता है या नहीं और चलाने में कैसा रहता है। तो चलिए पहले इसको डालते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट का मेरा 155 सेशन का लगा हुआ है, और बैक साइड का आप देख सकते हैं 155 सेशन का है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 155/65 R12। और फ्रंट का मैं दिखाऊंगा आपको फ्रंट का कितना है। फ्रंट वाला आपका पतला मिलता है, देखिए 135/70 R12। तो इसमें मैं 155 लगाऊंगा, और मेरा स्पेयर वाला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेयर टायर नैनो का फ्रंट पे रहता है बोनेट खोलने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा ये वाला जो टायर है 155/65 R12 का है। तो मैं ये फ्रंट पे लगाऊंगा और देखूंगा कि कैसा है। अभी तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 155/65 R12 का। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा अभी आगे और देखूंगा कि कहीं पे टच होता है या नहीं। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया टायर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे 155/65 R12 लगा हुआ है। पहले इसमें ये था 135/70 R12। तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला था और ये कितना मोटा है चौड़ा है, वो देखने में लुक देखिए बाहर तक आ रहा है टायर, बहुत बढ़िया लग रहा है लुक्स। तो इसमें अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये कहीं पर टच होता है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करके स्टेयरिंग मोड़ के देखता हूँ मैं। तो कार को स्टार्ट करो और स्टेयरिंग को राइट साइड काटो, घुमाओ। तो और यहाँ से आप देख सकते हैं टच नहीं हुआ है अभी तक बॉडी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा राइट स्टेयरिंग घूम चुका है, टच नहीं हुआ है। और लेफ्ट घुमाओ लेफ्ट, तो इस जगह पे थोड़ा सा टच होता है गाइस, इसमें टच होता है। तो आपको अगर मोटा टायर डालना है आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कटिंग करना होगा, हल्का सा टच होता है, लेकिन बॉडी में कहीं टच हो रहा है ना नहीं वो देख लेंगे। तो वैसे बॉडी में कहीं और टच नहीं हो रहा है, पूरा घुमाया ना। तो नीचे से देखता हूँ आगे में। यहाँ से भी देख सकते हैं कहीं पे टच नहीं हो रहा है बॉडी पे, जस्ट ये बम्पर में थोड़ा सा लग रहा है। तो सीधा करो, तो हल्का सा उधर घुमाओ, हल्का हल्का लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, बस बस। तो इतना पे जाके लग रहा है, देखिए इतना टर्न मारने पर आपका टर्न इतना हो गया, तो इतना टर्न मारने पर यहाँ पे टच हो रहा है इस जगह पे, ये देखिए। तो इसमें आपको ये कट करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं, आप जस्ट यहाँ से इतना सा कट कर दीजिए ये पोर्शन। ये पोर्शन कट करने के बाद आप ये मोटा टायर को लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ इतना ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि ये दिखता भी नहीं है आपका आगे से, तो वो पोर्शन को कट कर सकते हैं आप, तो अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं इसको चला के देखता हूँ फील कैसा आता है।
गाइस आप हल्का बहुत टर्न मार सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इस साइड का टायर बहुत ही मजा लग रहा है देखने में। लुक ये देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं बहुत ही पतला सा। तो मैं जस्ट अभी एक टायर मेरा जो स्पेयर है वो लगा के देखा मैंने, क्योंकि मेरे पास और एक नहीं है मोटा सा। तो ये टायर जस्ट जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं इसमें चारों मोटा डाल दूंगा, इस पर पतला टायर को रखूंगा नहीं। तो इसमें मेरा क्योंकि एक साइड का भी देख सकते हैं आप पतला वाला है, 135 सीसन का लगा हुआ है। तो मेरे पास और एक नहीं है, अभी मेरे पास तीन ही है। तो मैं इसमें बहुत जल्द लगा लूँगा, अभी तो ये घिसा नहीं है पूरा, ये थोड़ा बहुत और चल जाएगा। कुछ महीना दो तीन महीना के बाद मैं इसमें चारों में सेम साइज़ का लगा लूँगा, 155 का। आप लगा सकते हैं, बॉडी में कहीं टच नहीं होता है, जस्ट एक ही जगह है टच होने का, वो आपका इस जगह पर। तो इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा इतना सा आप कट कर दीजिएगा ये पोर्शन को, तो देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और बॉडी में कहीं टच नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि टच होता है बॉडी में कहीं पे लगेगा, तो अंदर में बॉडी पे कहीं टच नहीं हो रहा है। मैं पूरा स्टीयरिंग मोड़ के आपको दिखा दिया। इसमें और एक बहुत बड़ा अपडेट है, मैं नैनो पे करने वाला हूँ और चारों साइज में 155 लगाऊंगा इसका। तो जल्दी से गाइस जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द 1K जैसे ही मेरा हो जाएगा तो मैं इसमें एलोए डालने वाला हूँ, और इसमें जो स्टॉक एलोए आता है कंपनी से वही डालूंगा, और इसमें जो चारों ही साइज जो मैं टायर का 155/65 R12 डालूंगा। और जस्ट थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा बम्पर का जो नीचे लगा रहता है उसको मैं कट कर लूंगा, और इतना कोई इशू नहीं है, बॉडी में कहीं टच नहीं होगा। इन गाइस आप भी डाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपका नैनो पावर स्टीयरिंग नहीं है तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग अगर नहीं रहता है तो आप मोटा टायर जैसे ही डालेंगे उस पर तो स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे आपको चलने के बाद तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले से थोड़ा हार्ड हो जाएगा स्टीयरिंग। तो जिसका पावर स्टीयरिंग है वो डाल सकते हैं, पावर स्टीयरिंग लेने से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इतना सा ही वीडियो गाइस, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्द से जल्द मेरा 1K करवा दीजिए। मैं इस पर टायर अपडेट का वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा एलोए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।